नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे सेल स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले 6 महीनों में दिखाया है। क्या सेल स्टॉक अंडर परफॉर्म है या यहाँ पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो भी चेक करेंगे। काफ़ी जनों के निवेश करने का होगा इस स्टॉक के अंदर, तो अंडर वैल्यू होगा तो अच्छी बात होती है निवेश करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग करा है 153 के करीबन, मार्केट कैप 63,000 करोड़ के ऊपर है और यहाँ पे पिछले 5 साल में मीन्स 2019 में स्टॉक में निवेश किया होता 1 लाख, तो अभी 2.64 लाख बन जाता, क्योंकि उस समय प्राइस थी 58, उसके बाद भी स्टॉक ने तेज़ी बनाई थी, फिर उसके बाद गिरावट भी हो चुकी थी। पिछले 1 साल में 49 to 50% का भी रिटर्न दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते कि पीएस की कॉम्पिटिटर्स की, तो कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आप देख सकते काफ़ी बड़े बड़े नाम से यहाँ पे। फिर बात करते हैं फंडामेंटल्स को, फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के साइज़ काफ़ी बढ़िया है, आरओसी थोड़ा सा कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी वीक है और ग्रोथ भी कंपनी का इतना खास नज़र नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन मीडियन आते हुए दिखाई दे रहे, 4.5 के करीबन कंपनी के वैल्यूएशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर फेयर वैल्यू जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फेयर वैल्यू जो कंपनी की है वो देखी जाए तो 121 के करीबन फेयर वैल्यू नज़र आती हुई दिखाई दे रही, रिसेंटली 150 के ऊपर ट्रेडिंग करा है स्टॉक, तो फेयर वैल्यू 121 के करीबन है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल, इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ओवर वैल्यूड बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू, मीन्स अभी रिसेंटली ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है स्टॉक को।